पण या सगळ्या निवडणुकीमध्ये सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे ते अर्थातच वाराणसीमध्ये, कारण वाराणसीमधून काँग्रेसचे उमेदवार अजय राय हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत आणि त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी विशाल परदेशी यांनी. आपल्याबरोबर काँग्रेसचे उमेदवार जे अजय राय ते आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. अजयजी, हम जानना चाहते हैं कि पिछली बार इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने हो? ये पूरा का पूरा चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी है. पूरा गुजरात के लोगों के लिए आके भर दिया बनारस में, सारे काम, सारे ठेके, सारे व्यापार, सारे धंधे गुजरात के लोगों को दे दिया. और विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पर बनारस में जो हुआ वो आपके सामने है. ये विद्यालय 64 का विद्यालय बना हुआ है, ये मतदान केंद्र है, आप देख लीजिए स्थिति आपके सामने, विकास का मॉडल यही दिख जाएगा. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बात जो है, उस बात को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? काशी विश्वनाथ का देखिए, काशी विश्वनाथ की आपको मंदिर तोड़ना ही नहीं चाहिए था भैया. आप काशी विश्वनाथ में जो आपने तोड़फोड़ कराया, जो वहाँ पर मंदिर तोड़वाया, जो धार्मिक स्थान तलाया, वो काशी की जनता आज पूरी तरीके से नाराज है और उसका आज उनको दंड देने वाली है. पिछली बार देखा जाए तो आप तीसरे स्थान पर थे, इस बार क्या लीड आप सोच रहे हो? ये जनता तय करेगी. मैं तो बस जनता काशी का बेटा हूँ, काशी का लाल हूँ, काशी का पुत्र हूँ, महादेव का भक्त हूँ, यह तय कर देगी काशी. तो काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद किस पर है? अब जो काशी में भी रहेगा, जो काशी में रहेगा, जो महादेव की आराधना करेगा, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद उसको ना मिलेगा? जो यहाँ का भूमि पुत्र है. हाँ, भूमि पुत्र है जो काशी विश्वनाथ के रहेगा बीच में, जो बाबा की आराधना करेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं. तो विजय पक्का है, ये जनता तय कर देगी आज. हाँ, पक्का तय कर देगी आज. त्यांनी विजयाचा विश्वास व्यक्त केलेला आहे काँग्रेसचे उमेदवार अजय राय यांनी, आणि ते इथे मतदान करण्यासाठी इथे आलेले आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट नवनाथ कोंडेकरसह विशाल.